डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर जो चैप्टर है उसमें देखो क्या करना होता है. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन क्या बता रहा होता है एट अगर आप ढंग से देखो हमें डिफरेंशिएशन में अभी तक क्या पढ़ाया गया, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, इसका मतलब बस इतना सा होता है कि हाउ इज वाई चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स चेंज हो रहा है बट एक्स के चेंज से वाई पे क्या इम्पैक्ट है ये हम निकाल रहे हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स. एंड दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विच गेट्स अप्लाइड इन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में भी यही हम कर रहे होते हैं कि किसी एक चीज का डिफरेंस नोट कर रहे होते हैं दूसरी चीज की डिफरेंस पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं डीवी बाई डी टी, ऐसे टर्म्स तुम्हें दिखेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में. डीवी बाई डी टी का मतलब है कि जैसे मानो एक ये बैलून है इसमें मैं हवा भर रहा हूं. नाउ जैसे जैसे विथ या डीवी बाई डी आर ले लो, जैसे जैसे रेडियस उसका बढ़ता जाएगा वॉल्यूम भी चेंज होती रहेगी. राइट, सो अगर रेडियस अभी वन था, वन से वो थ्री होता है तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट है, दैट इज डीवी बाई डी आर. या अगर इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करूं कि चलो मैं एक सेकेंड में वॉल्यूम इतना होता है, 5 सेकेंड हवा भरता हूं तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज अगेन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पिछले केस में हमने देखा वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. अब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में हमें कभी टाइम के साथ बोलेगा, कभी रेडियस के साथ बोलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमें डिफरेंस ऑन रेडियस, डिफरेंस ऑन टाइम पे वॉल्यूम और इन सब चीजों का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. काफी सिंपल चैप्टर है, बस एप्लीकेशन बेस्ड है. तो डीवी बाई डी एक्स क्या होता था हमने पढ़ा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर मैं बोल दूं dx by dt तो वो हो जाएगा displacement with respect to time, तो rate of change of displacement with respect to time हो जाएगा. dv by dr बोल दूं तो rate of change of volume with respect to radius हो जाएगा. करेक्ट, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक क्वेश्चन है, इतना ही है चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंशिएशन लगानी है. डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम करके एप्लीकेशन समझ जाएंगे, हाउ डू वी हैव टू अप्लाई. So that I will tell you directly through some questions. जैसे पहला question है, a balloon which measures, which always remains spherical. Balloon है वो हमेशा spherical रहेगा. Has a variable radius. उसका radius vary कर रहा है. ठीक. Now the question says, find the rate at which its volume is increasing with respect to radius r is equal to 7. वो कह रहा है volume कैसे increase हो रहा है with respect to radius r is equal to 7. ये हमें निकालना है. ठीक है, तो अगर आप विजुलाइज करो तो कह रहे हैं पहले आर जब था तो वॉल्यूम ये होगा. स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, अब इस केस में डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में हमें वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि कभी कोण आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा. ऐसे ही स्क्वायर वगैरह का रेडियस क्या, वो एरिया क्या होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए. नाउ इन दिस क्वेश्चन स्फेयर का जो मेरा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³. हमें उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर. वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. मतलब मुझे डीवाई बाय डीआर निकालना है. डीवाई बाय डीआर इज माय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. जैसे कि डीवाई बाय डीएक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो अब डेरिवेटिव अगेन आई एम रिपीटिंग, डीवी बाय डीआर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस. क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 7. ठीक है, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं आप लोगों को तो अपने पे कैसे करेंगे इसको. हमें वॉल्यूम पता है, वी पता है इन केस ऑफ अगर स्फेरिकल बैलून है. स्फेरिकल उसने इसीलिए दिया है जिससे कि हमें उसका वॉल्यूम पता हो. तो वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³. अब वो कह रहा है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, मतलब dv by dr निकालना है. वॉल्यूम को आप dv by dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 × π, ये तो कांस्टेंट ही है. r क्यूब को करोगे तो 3r² हो जाएगा. अब 3 और 3 कट गया, बचा क्या, 8 πr² ये है dv by dr.
अब डीवी बाय डी आर हमें किस पॉइंट पे निकालना है, हमें आर इज इक्वल टू 7 पे निकालना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में देखे भी थे, एट आर इज इक्वल टू 7 करने के लिए हम आर की वैल्यू 7 डाल देंगे यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, फोर पाई, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 4 into pi into 49, 7 square is 49, तो मेरा आंसर आ जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस 36x + 5। कुछ हमने प्रोडक्ट बेचे, एक्स यूनिट्स बेचे एक प्रोडक्ट के, तो उसका जो रेवेन्यू है दैट इज गिवन बाय इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज आर एक्स स्क्वायर प्लस 36x + 5, 3x² + 36x + 5। आई हैव टू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, दैट गिव्स मी माय मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन दे रखी है आर की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी आर बाई डी एक्स निकालो एक्स के टर्म्स में, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट कर ही लोगे, 3x² क्या हो जाएगा, 3 into 2 into x, 36x हो जाएगा 36, 5 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 6x + 36 तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी ऑफ डी आर बाई डी एक्स। अब डी आर बाई डी एक्स निकालना कहाँ है, एट एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स की जगह आप 5 डाल देना, तो 6 into 5 30 + 36 विच बिकम्स 66 इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल था पिछले वाला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि वो कह रहा है डीवी बाय डी आर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr², ठीक है, आप उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एच सेम रखना क्योंकि एच कॉन्स्टेंट, एक्स एच में चेंज नहीं बोल रहा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब वो एक्चुअली में यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर जैसे मेरा ये कोन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंज कैसा होगा अगर मेरा रेडियस चेंज होता जाए, जब रेडियस इतना था आर वन था तो ये वॉल्यूम है, आर टू हो जाएगा तो मेरा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, राइट, और लेट से आर थ्री हो जाएगा कम हो जाएगा तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। तो डीवी बाय डीआर 1/3 πr² × h, इसको डिफरेंशिएट कर लो, 1/3 πh × 2r, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2πr h/3। अभी तक वाली फॉर्म्स में क्या हो रहा था, हमें दो वेरिएबल दिए हुए थे, एक को दूसरे के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना था, दो क्वांटिटी एंटिटी दे रखी थी उनको डिफरेंशिएट करना था। टाइप टू में दोनों को किसी और के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, ठीक है, अब वो वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो ये है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 cm/s, मतलब यहाँ पे बोल रहा है क्यूब है, क्यूब की साइड ए मान लो, तो उसका जो एज है वो इंक्रीज कर रहा है एट रेट ऑफ 10 cm/s, मतलब हमें एक्चुअली dA by dt दिया हुआ है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 5 cm long। अब मुझे dV by dt निकालना है, ठीक है, देखो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली चीज हमें बोल रहा है वहां पे कि जो मेरा एज है दैट इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 cm/s, तो आई कैन से कि ये मुझे बोल रहा है dA by dt जो है वो 10 है। अब मुझे वॉल्यूम बताना है कि वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसको भी मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही पूछ रहा है, राइट, फाइंड हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो dV by dt वो क्या हो जाएगा, 3a² dA/dt, करेक्ट, dA by dt की तो अपने पास वैल्यू है, यहाँ पे इसने बताई थी मुझे, वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, 3a² × 10, तो दिस बिकम्स 30a², ठीक। अब वो पूछ कहां पे रहा है dV by dt, वो कह रहा है dV by dt बताओ जब a इज इक्वल टू 5 हो, तो अब यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूंगा, 30 × 5² दैट बिकम्स
30 into 5 square, that becomes 30 into 25, which is 7, 5 square, which becomes 750. और क्योंकि वो है वॉल्यूम है तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझा तो अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो. रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यूनिट से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुई है. यहाँ पे वो कह रहा है रेडियस ऑफ बलून मतलब डी आर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है बिकॉज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, राइट? तो डी आर बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट वॉट रेट इट सर्फेस एरिया इज इंक्रीजिंग वेन रेडियस इज 15. सर्फेस एरिया का फॉर्मूला बेलून हमें पता है स्फेरिकल इन शेप होता है, राइट? तो सर्फेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ विच इज 4πr². अब वो कह रहे हैं हाउ एट वॉट रेट इज सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग वेन रेडियस इज 15. इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ds by dt निकालो और सॉल्व करो. इस क्वेश्चन में क्या करा, dr by dt दिया हुआ था, s होता है 4πr², हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ds by dt निकाला विच इज d by dt ऑफ 4πr², रेडियस इज द वेरिएबल हियर, तो ये हो जाएगा 8πr. r स्क्वायर को करोगे तो कांस्टेंट है 4π बाहर हो जाएगा, r स्क्वायर इज 2r, तो 8πr dr by dt. dr by dt की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 80πr. अब मुझे क्या निकालना है, ds by dt at r is equal to 15. अब यहाँ पे r is equal to 15 वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड. रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग मतलब dr by dt है. फाइंड रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग. फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब dA by dt निकालना है व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में दिया हुआ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब dr by dt दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें dA by dt निकालना है. हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो dA by dt क्या हो जाएगा 2πr dr by dt, करेक्ट? अब मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है, 2πr dr by dt की जगह 4 रख दो तो ये हो गया 8πr. और अब कहाँ निकालना है, एट आर इज इक्वल टू 8, dA by dt को कहाँ निकालना है, एट आर इज इक्वल टू 8, वो मेरा हो जाएगा 64, आर की जगह 8 डाल देना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं उसमें बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व y is equal to 6y is equal to x cube plus 2. Find point on curve at which y is changing 8 times as fast as x. ठीक है, y बोल रहा है 8 times as fast as x चेंज हो रहा है with respect to t. मतलब मुझे बोल रहा है dy by dt is 8 times dx by dt. मुझे point on curve निकालना है at which y is changing 8 times as fast as x. मतलब हमें दे रखा है dy by dt is equal to 8 times dx by dt. अब इस क्वेश्चन को करो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो मेरा कर्व है which is 6y is equal to x cube plus 2, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो 6 dy by dt is equal to 3x square dx by dt प्लस जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी जीरो ही हो जाएगा. अब 6 इनटू 8 टाइम्स डीएक्स बाय डीटी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डीएक्स बाय डीटी. डीएक्स बाय डीटी डीएक्स बाय डीटी कैंसिल हो जाएगा, 3 टू जा. अब मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स आ गया प्लस माइनस 4. अब एक बार प्लस 4 डाल दो, जब एक्स प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा 4 64 प्लस 2 विच इज 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 66 बाय 6 विच इज 11. तो कोऑर्डिनेट हो गया 8, 4, 11. और दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, मैं y की जगह x की जगह माइनस 4 डाल दूंगा. तो देखता हूँ क्या दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, दो पॉइंट x के आए हैं तो दो कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे.
तो अब दूसरा मैं बोल सकता हूँ 6y = -64 + 2, तो हो जाएगा 6y = -60 -62/6, यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो अब y की वैल्यू मेरी आ जाएगी -31/3, सिंप्लीफाई करके। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, -4, -31/3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसको लिख लो कि गुड है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट और कॉम्पिटेटिव, सब पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझना। नाउ द क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, बॉटम को पुल कर रहे हैं फ्रॉम द अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/s। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब मैंने ऐसे रखा था, अब इसको ऐसे पुल कर दिया, नीचे स्लाइड हो जाएगी। हाउ फास्ट इज इट इज डिक्रीजिंग, वो हमें निकालना है when the foot of ladder is 4 meter away from the wall. The question says that a ladder of 5 meter long is leaning against a wall. So, humne ye wall pakad li aur yahan pe ladder lean kar rahi hai jiski length hai 5 meter. Theek hai? Aur isko pull kara gaya hai away from the ground at 2 cm/s। ठीक है, 2 cm/s पे अवे फ्रॉम द ग्राउंड पुल करा गया। अब वो कह रहा है जब ये अवे पुल होगा, ये तो बात सिंपल सी है कि जब इधर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगी लेटर, राइट, इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना है dy/dt, जब मैं इतना पुल कर लूंगा तो dy/dt पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू फाइंड। इसको मैं x ले लू, इसको मैं y ले लू, करेक्ट, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एक्स ले लूं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वाई ले लूं ऑफ लैडर, तो मैं कह सकता हूँ x² + y² जो है वो 5² है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2x dx/dt + 2y dy/dt विल बी इक्वल टू 0। ठीक, अब 2x dx/dt की वैल्यू तो 2 दी हुई है, इज इक्वल टू -2y dy/dt। ठीक, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे 2 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा -2x/y = dy/dt। ठीक, और तुम्हें कहाँ पे निकालना है, वो दिया हुआ है एट अ पॉइंट 4 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब तुम क्या करो, x की वैल्यू को 4 रख दो। जब x 4 रखोगे तो y क्या आएगा, 3, राइट। x को वो कह रहा है एट अ पॉइंट हमें निकालना है जहां वो 4 मीटर अवे फ्रॉम ग्राउंड है, मतलब x 4 हो गया। जब x तुम्हारा 4 होगा तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा √25 - 4² 4² = 16, तो मतलब आ गया 3। अब यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दो, तो 2 × 4 - 8 और बाय 3, दिस बिकम्स माय dy/dt कि एट दैट पॉइंट इट इज गोइंग डाउन बाय रेट ऑफ -8/3 या 8/3 मीटर पर सेकंड।